गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं आपकी दोस्त यानी कि होस्ट आज एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को एंजॉय कीजिए और कोई लाइक करना ना भूले वीडियो को। और जो भी मेरे न्यू फ्रेंड है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए आगे की अपडेट पाने के लिए। मैंगो भापा दोई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दही ले लिया एक कपरा में और उसे बंद कर देंगे। उसके बाद उसके ऊपर भारी भरकम कुछ रख देंगे सारे पानी निकलने के लिए और उसे 2 घंटा तक हम इसी तरह रख देंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर बहुत सारे पानी निकल चुके हैं। अब एक बोल ले लेती हूँ और देखिए हमारा टंगे हुए दही एकदम रेडी है। तो एक बोल में सबसे पहले ले लेती हूँ और कपड़ा को हटा देती हूँ। अब उसमें हम मिल्क मेड ऐड करेंगे यानी कि कंडस मिल्क। साथ में ऐड करूँगी मैंगो पेस्ट। तो मैंगो पेस्ट मैंने पहले ही रेडी करके रख दिया। तो देखिए यहाँ पर मैंगो पेस्ट भी ऐड कर दिया। अब उसमें हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जो भी मेरे न्यू फ्रेंड ये वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर लीजिए। तो देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और यहाँ पर एक मैंने बर्तन ले लिया, यहाँ पर मैंने बटर पेपर लगा दिया। अब जो मिक्स किया है वो हम बर्तन में ऐड कर देंगे अच्छी तरह से। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर मैंने सारे जितने भी इन्ग्रीडियंट थे मिक्स करके बर्तन में ऐड कर दिया। अब उसके ऊपर हम सिल्वर पेपर लगा देंगे और साथ में मैंने कढ़ाई बिठा दिया, उसमें पानी भी ऐड कर दिया। पानी में उबाल आ चुके हैं। अब उसके ऊपर आप चाहे तो कुछ स्टील का रख सकते हैं, रख के भी उसको बॉयल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर 25 से 30 मिनट तक रखे हैं और उसे ढक कर दे दिया था और फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखे थे। अब गैस को बंद कर देते हैं और उसे कुछ देर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो यानी कि फाइनली हमारे मैंगो भापा बनके तैयार हो चुके हैं, मैंगो भापा दोई। तो देखिए ये ठंडा हो चुके हैं, हम फ्रिज में रख देंगे 2-3 आवर्स तक। तो मैंने रख दिया था। तो देखिए अब निकाल रही हूँ, 3 आवर्स हो चुके हैं। अब उसे सबसे पहले चारों ओर काट लेते हैं और एक प्लेट में ले लेते हैं। उसके बाद हम उसे प्लेटिंग कर लेंगे। और किस किस को मैंगो भापा दोई पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइए। तो देखिए बहुत ही सुंदर कलर आए हैं और बहुत ही यम्मी भी हुए हैं। आपको भी अगर ये रेसिपी पसंद है तो घर में ज़रूर बनाइए, आपको भी अच्छा लगेगा क्योंकि अभी मैंगो का सीज़न है, बहुत ही प्यारी प्यारी मैंगो मिल रहे हैं। और हम बटर पेपर को निकाल लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा छोटे छोटे मैंगो को पीस करके डेकोरेट कर रही हूँ। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। तो दोस्तों देखिए, देखने में तो ये पूरा चीज़ केक लग रहे हैं और टेस्ट तो बहुत ही यम्मी है, केक जैसा ही है। तो उसे मैंने काट लिया है, देखिए बहुत ही दिखने में ही कैसा सुंदर लग रहा है। तो सोचिए खाने में कितना टेस्टी होगा और कितना सॉफ्ट है वो भी देखिए। मैं एक स्पून से उसे काट कर लिया, देखिए बहुत ही सुंदर कलर है, परफेक्ट कलर है, टेस्टी भी है, बहुत बढ़िया है।